हैप्पी छठ पूजा दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ छठ पूजा स्पेशल कद्दू भात की थाली की रेसिपी लेकर के आई हूँ। कद्दू भात छठ पूजा की नहाए खाए के दिन बनाई जाती है, तो चलिए देख लेते हैं कि कद्दू भात के दिन क्या क्या बनाया जाता है। दल कद्दू बनाने के लिए यहाँ पे कुकर में हम घी डाल देंगे, साबुत जीरा, दो हरी मिर्च। यहाँ पर कद्दू को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, इसको इसमें हम डाल देते हैं। आधा टमाटर, अदरक को कूट करके डाल देंगे। अब डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। चने की दाल को यहाँ पे मैंने धो करके रखा हुआ है, चने की दाल को हम इसमें डाल देंगे। दल कद्दू जो होता है वो चने की दाल में ही बनाया जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक, क्योंकि इसको हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो व्रत में नॉर्मल नमक या फिर प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती है, तो हम सेंधा नमक इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ होममेड गरम मसाला का पाउडर, जिसमें धनिया पाउडर, जीरा मा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सौंफ, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने बनाई है। इससे जो दल कद्दू का स्वाद है काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए इसको मैं ज़रूर डालती हूँ। अब हम पानी डाल देंगे और अब 3 से 4 सीटी यहाँ पे हमें लगा देना है, ताकि जो चने का दाल है वो अच्छे से कुक हो जाए। चने का दाल अच्छे से जब कुक हो जाएगा 3 से 4 सीटी यहाँ पे आ जाएगी, फिर गैस के फ्लेम को आप लो कर लीजिएगा और लो फ्लेम पे इसको आप 10 मिनट पका लीजिएगा, क्योंकि चने की दाल को थोड़ा सा कुक होने में वक्त लगता है। तो अब मैं यहाँ पर सीटी लगा दे रही हूँ। अब हम दाल में छौंक लगा रहे हैं, तो घी डाल देंगे। अब इसमें डाल देते हैं साबुत जीरा, हींग। यहाँ पे हमारा पक चुका है, तो हम तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पे इसको हम दाल में डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर मैंने रखा हुआ है, इसको भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि बाकी लहसुन प्याज नहीं डालने की वजह से दाल थोड़ी सी फीकी लगती है। इस तरह से अगर आप भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा तो दाल काफ़ी टेस्टी बन जाती है। और ये देखिए कद्दू दाल हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो चलिए अब बना लेते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी। केला की भुजिया बनाने के लिए हम ऑयल डालेंगे, साबुत जीरा, हरी मिर्च। अब इसमें कटे हुए केले के पीस को डाल देंगे। अब हल्दी का पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, मिक्स कर लेंगे। और अब भुजिया को हम ढक दे रहे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब हमारी जो केला है वो अच्छे से पक जाएगी ना, उसके बाद गैस के फ्लेम को हाई करके हम इसको हल्का सा कुरकुरा बना लेंगे। भुजिया को मैंने ढक दिया था, चेक कर लेते हैं। तो एक बार मैंने चेक किया था, केला ऑलमोस्ट पक ही चुका था और ये देखिए अब बिल्कुल पक चुका है। अब क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को हम हाई कर लेंगे ताकि इसको थोड़ा सा क्रंची कर पाएँ, थोड़ी सी कुरकुरी हो जाएगी तो खाने में अच्छी लगेगी, क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह का इस्तेमाल तो किया नहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी जो आप कुरकुरे करेंगे ना तो खाने में बढ़िया लगेगी। और अब इसके ऊपर हम हल्का सा धनिया का जो पाउडर है वो यहाँ पे डाल रहे हैं, उससे जो भुजिया का टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है। और 1 मिनट इसको भून लेंगे। और ये देखिए 1 मिनट के बाद जो हमारी केले की भुजिया है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो गैस को हम ऑफ कर रहे हैं और अब हम बना लेते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी। क्या है तो लौकी की अब हम सब्जी बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम घी डाल देते हैं। अब डाल देते हैं तेजपत्ता, पचफोरन और हरी मिर्च, इसको फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें कद्दू डाल देते हैं, हल्दी का पाउडर, सेंधा नमक, और अब अच्छे से इसको मिक्स करके और ढक करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए लौकी यहाँ पे हमारी कुक हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है और लौकी की जो सब्ज़ी होती है वो थोड़ी सी ड्राई होती है, तो गैस के फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और जितना भी यहाँ एक्स्ट्रा पानी है उसको यहाँ पे हम सुखा लेंगे। और सुखाने के साथ साथ लौकी को आप इस तरह से मैश करते रहिए ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए और इसकी जो सब्ज़ी है थोड़ी सी चिकनी बन करके तैयार हो। तो जब ये जो पीस है वो टूट जाते हैं तभी जो लौकी की सब्ज़ी है खाने में टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे जब तक इसका जो पानी है वो सारा सूख नहीं जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो लौकी में जितना भी पानी था सारा सूख चुका है और लौकी भी अच्छे से हमारी मिक्स हो चुकी है। तो लौकी की सब्ज़ी हमारी पूरी तरह से तैयार है। अब हम पकौड़ा बना रहे हैं, तो बेसन में डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच राइस फ्लोर, 2 से 3 चम्मच यहाँ पे हम राइस फ्लोर डाल देंगे, हल्दी का पाउडर। राइस फ्लोर डालने से जो आपके पकौड़े हैं काफ़ी क्रंची बनेंगे और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। पकौड़े तलना हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा गर्म है तो अब पकौड़े हम स्टार्ट करेंगे तलना। तो यहाँ पे मैं लौकी और आलू यही दोनों के पकौड़े बना रही हूँ, प्याज वगैरह इस्तेमाल होता नहीं है। अगर आप चाहें तो गोभी के बना सकते हैं, मुझे मार्केट में जो गोभी है वो अच्छे वाले नहीं मिले, सभी के फूल मुझे ख़राब लगे तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिए थे। सभी पकौड़ों को एक एक करके हम कढ़ाई में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। कढ़ाई में मैंने पकौड़ों को डाल दिया फ्राई होने के लिए, अब इसको फ्राई होने देते हैं। तो अब एक एक करके सभी पकौड़ों को यहाँ पे हम पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई होने देंगे। अभी इन पकौड़ों को एक दो बार हमें और पलटना पड़ेगा तभी ये क्रंची होंगे, नहीं तो ये क्रंची नहीं होंगे। और पकौड़े अगर आपको क्रंची खाने हैं तो थोड़े से, अब जब ये फ्राई हो गए हैं तो गैस के फ्लेम को आप लो कर लीजिए और लो फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिए, नहीं तो ये क्या होता है कि कलर तो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है हाई फ्लेम पे बट क्रंची नहीं होते, और क्रंची नहीं होते तो खाने में बढ़िया भी नहीं लगते। तो अब मैं लो कर रही हूँ गैस को और इसको फ्राई होने दे रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो पकौड़े हैं वो सारे फ्राई हो चुके हैं, काफ़ी क्रंची भी दिख रहे हैं। तो अब सभी पकौड़ों को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं और अब हम करेंगे थाली की प्लेटिंग। तो आज की लास्ट रेसिपी मैंने बनाई है राइस। तो राइस आप देख सकते हैं बहुत ही खिली खिली यहाँ पे हमारे जो चावल है वो बन करके तैयार हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना राइस लेना है उतना ही पानी लेना है। अगर आप 2 गिलास राइस लेते हैं तो 2 ही गिलास पानी लीजिए, क्योंकि इसे मैंने कुकर में कुक किया है तो उससे जो आपकी राइस है बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और उसके जो दाने हैं खिले खिले रहते हैं। तो यहाँ पर राइस भी बन करके हमारी तैयार हो चुकी है जो कि आज की लास्ट रेसिपी है। तो चलिए अब कर लेते हैं थाली की प्लेटिंग। सो फ्रेंड्स ये देखिए छठ पूजा स्पेशल कद्दू भात थाली हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई पे बने रहिएगा एक न्यू वीडियो के लिए। तो दोस्तों फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे। हैप्पी छठ पूजा।